स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल यात्रियों के लिए एक और नई गाइडलाइन जारी की गई जो 8 अगस्त मध्य रात्रि से लागू होगी। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें मुख्यतया विदेश से यात्रा करने के पूर्व यात्रियों को 72 घंटे दिल्ली इन पोर्टल पर अपनी यात्रा का विवरण देना होगा। विदेश की यात्रा से 96 घंटे पहले कराई गई कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मान्य होगी नई गाइडलाइन के अनुसार, और यदि यात्री के पास एयरपोर्ट उतरने पर सैंपलिंग की रिपोर्ट नहीं मिलती है तो उसे 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा जिसका खर्च यात्री को वहन करना होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को 72 घंटे पहले दिल्ली एयरपोर्ट .in जो पोर्टल है उस पर अपनी यात्रा का पूरा विवरण दर्ज कराना पड़ेगा, और यदि वो होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं बजाय इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन के तो उसके लिए बेसिक उनको रीजंस उसमें पुटअप करने पड़ेंगे और वहां से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस पोर्टल के माध्यम से ही हायर अथॉरिटीज यदि डिसाइड करती हैं कि उसको होम क्वारंटाइन किया जा सकता है तो ही ऐसे यात्रियों को होम क्वारंटाइन होने की फैसिलिटी मिलेगी। दूसरा यह है कि यदि वे वहां से यात्रा से पहले 96 आवर्स पहले यदि उन्होंने कोई सैंपलिंग कराई है और उसकी जाँच रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट भी वो उस पर प्रोड्यूस करेंगे और उसके माध्यम से भी उनको होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। और यदि किसी यात्री के पास जब हमारे स्वदेश के हमारे देश के किसी एयरपोर्ट पे वो उतरता है और वहाँ उसके पास ये रिपोर्ट नहीं होती है तो पूर्ववत उसे 7 दिवस का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा जिसका व्यय उन्हें स्वयं को वहन करना पड़ेगा। देखिए, कई बार यात्री बहुत ज़्यादा पैनिक होते थे कि हमें 7 दिन क्वारंटाइन नहीं रहना इंस्टीट्यूशनल और हम हमारे होम क्वारंटाइन हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए सही समय के पहले हमारे पास में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं रहती थी जिसके माध्यम से इनको ये मान लिया जाए कि ये कोविड नेगेटिव हैं जिस टाइम ये पहुंचे हैं, तो इसलिए इस तरह की एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ी है इसमें। सर, चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है तो ये समस्त ऐसे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं जो इंडिया यदि आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से आए या देश के किसी भी प्रदेश में उतरें, उन सभी के लिए ये गाइडलाइन लागू 8 अगस्त से जारी हो जाएगी, लागू कर